नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली खबरों के साथ। तो चलिए फटाफट इस बुलेटिन में करते हैं खबरों की शुरुआत। सरकार जनता को राहत देने के लिए इसी सप्ताह से खुदरा बाजार में भारत चावल बेचना शुरू करेगी। इसकी कीमत 29 रुपये प्रति किलो होगी। इसके साथ ही व्यापारियों को चावल के स्टॉक का खुलासा करने का निर्देश दिया गया है। खुदरा दुकानदारों, थोक विक्रेताओं और राइस प्रोसेसर्स को अब हर शुक्रवार को अपने चावल स्टॉक का खुलासा करना होगा। सरकार चावल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ये कदम उठा रही है। नाफेड और NCCF के साथ साथ केंद्रीय भंडार और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी भारत चावल की बिक्री करेंगे। अभी तक सरकार ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए जितने भी प्रयास किए हैं वो सब नाकाफी रहे हैं। चावल की विभिन्न किस्मों के निर्यात पर पाबंदियों के बावजूद पिछले एक साल में चावल की खुदरा और थोक कीमतों में करीब 15% की वृद्धि हुई है। अब ये देखना होगा कि भारत चावल की बिक्री से क्या वाकई खाद्य महंगाई कंट्रोल होगी या ये सिर्फ केवल एक चुनावी स्टंट है। भारत के वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट घटाने पर जोर देने से मलेशियन पाम ऑयल फ्यूचर्स का भाव और गिर गया है। बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव्स एक्सचेंज पर अप्रैल डिलीवरी वाले पाम ऑयल कॉन्ट्रैक्ट का भाव 18 रिंगिट गिरकर 3780 रिंगिट प्रति टन पर आ गया। एक सप्ताह में फ्यूचर प्राइस में 5.9% की गिरावट आई है। भारत सरकार तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है, इसलिए ही अंतरिम बजट में भी वित्त मंत्री ने घोषणा की है। इस वजह से वेजिटेबल ऑयल की कीमतों पर दबाव देखा जा रहा है। अब आप अपने UPI से फ्रांस में भी पेमेंट कर पाएंगे। फ्रांस ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI को अपने देश में काम करने की मंजूरी दी है। भारत की NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और फ्रांस की लायरा मिलकर फ्रांस में UPI पेमेंट की सर्विस देंगे। इसके साथ ही UPI सर्विस शुरू करने वाला फ्रांस पहला यूरोपीय देश बन गया है। इस सर्विस के शुरू होने से अब भारतीय टूरिस्ट UPI का इस्तेमाल कर ऑनलाइन एफिल टावर का टिकट खरीद सकेंगे। पिछले साल भारत सरकार ने 10 देशों में NRI के लिए UPI सुविधा शुरू करने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार के बाद गुजरात सरकार ने भी अपना बजट गरीब महिलाओं, किसान और युवाओं पर केंद्रित रखते हुए पेश किया है। गुजरात सरकार ने 3.32 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। राज्य सरकार ने बजट में कोई नए कर का प्रस्ताव नहीं किया है। पिछले वित्त वर्ष में बजट का आकार 3.14 लाख करोड़ रुपए था। गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना की घोषणा की है। इसके तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को 4 साल में 50,000 रुपये दिए जाएंगे। नमोश्री योजना के तहत पिछड़े और गरीब वर्ग की गर्भवती महिलाओं को 12,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। पेटीएम को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। निवेशक धड़ाधड़ शेयर बेच रहे हैं, वहीं ग्राहक इस बात को लेकर परेशान है कि उनका पेटीएम चलता रहेगा या बंद हो जाएगा। इस पर 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के CEO विजय शेखर शर्मा ने खुद सफाई दी है। डिजिटल पेमेंट ऐप पेटीएम काम कर रहा है और 29 फरवरी के बाद भी काम करता रहेगा। RBI ने सिर्फ पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया है, न कि पेटीएम ऐप पर। ऐसे में प्रतिबंध से पेटीएम पेमेंट बैंक के ग्राहक ही प्रभावित होंगे। RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट और फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा या टॉपअप स्वीकार करने से रोक दिया है। इस साल हो सकता है एक और सरकारी बैंक खत्म हो जाए। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान IDBI बैंक में अपनी हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री पूरी होने की उम्मीद जताई है। दीपम सचिव तुहिन कांत पांडे ने कहा कि IDBI बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया जारी है। RBI की मंजूरी मिलने के बाद वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाएंगी। अगले वित्त वर्ष में रणनीतिक बिक्री पूरी होने की उम्मीद है। सरकार पिछले कई सालों में ऐसी उम्मीद जता रही है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। ओला इलेक्ट्रिक ने एक नया ई स्कूटर ओला S1X को लॉन्च करने की घोषणा की है। नया इलेक्ट्रिक स्कूटर 3 बैटरी ऑप्शन, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट और 4 किलोवाट बैटरी के साथ आएगा। इसकी कीमत 80,000 रुपये से लेकर 1,09,999 रुपये होगी। नए स्कूटर की डिलीवरी अप्रैल से शुरू होगी। कंपनी ने दावा किया है कि नए ओला स्कूटर का जीवन पेट्रोल स्कूटर से दोगुना होगा। ओला ने अगले 3 महीने में 10,000 चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की भी घोषणा की है। तेल कंपनियों के ऊंचे और मजबूत मुनाफे ने सरकार को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। सरकार ने तेल कंपनियों को इक्विटी इन्फ्यूजन के जरिए मदद देने और रणनीतिक रिजर्व भंडार को भरने की योजना को टाल दिया है। अगले वित्त वर्ष में सरकार इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में मामूली हिस्सेदारी ही खरीदेगी। बजट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक सरकार ने तेल कंपनियों में अगले वित्त वर्ष के लिए इक्विटी इन्फ्यूजन की राशि को भी घटाकर आधा कर दिया है। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने तेल मार्केटिंग कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने के लिए 30,000 करोड़ और रणनीतिक तेल भंडार
भंडार भरने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार के इस फैसले से अब इंडियन ऑयल और BPCL को अपने प्रस्तावित राइट इशू को अगले वित्त वर्ष के लिए टालना पड़ सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने वाली कंपनी मेटा का शेयर 14% उछल गया है। मेटा के शेयर में ये उछाल तीसरी तिमाही के मजबूत वित्तीय परिणामों के बाद आया है। दिसंबर तिमाही में मेटा का कुल राजस्व 25% बढ़कर 40.1 अरब डॉलर रहा। कंपनी की प्रति शेयर आय भी 200% से ज्यादा बढ़कर 14 अरब डॉलर रही, यानी कंपनी ने प्रति डॉलर 5.33 डॉलर की कमाई की। ये एक साल इसी तिमाही में कंपनी की प्रति शेयर आय 4.65 अरब डॉलर थी, यानी कंपनी ने प्रति डॉलर केवल 1.76 डॉलर ही कमाए थे। शानदार वित्तीय परिणामों के बाद मेटा ने पहली बार अपने निवेशकों को डिविडेंड देने की भी घोषणा की है। अच्छे परिणामों और फेसबुक की 20वीं वर्षगांठ पर मेटा अपने निवेशकों को प्रति शेयर 50 सेंट का डिविडेंड देगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 80 लाख टैक्सपेयर्स के खिलाफ लंबित छोटी मोटी टैक्स डिमांड को खुद ही खत्म करेगा। इसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में 25,000 रुपये तक की टैक्स मांगों को वापस लेने की घोषणा की थी। वित्त वर्ष 2009 और 10 तक के 25,000 रुपये और वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक के 10,000 रुपये के कर विवादों को खत्म किया जाएगा। इसके बाद CBDT ने कहा है कि वो इन टैक्स डिमांड नोटिस को खत्म कर देगा और इन्हें कर विभाग के रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। करदाता को कुछ भी नहीं करना होगा, आयकर विभाग उनसे कोई भी संपर्क नहीं करेगा। आयकर विभाग ने करदाताओं को अपने रिटर्न को अपडेट करने की सुविधा दी है। पिछले 2 सालों में करदाताओं के अपडेट किए गए 56 लाख आईटी रिटर्न के करीब 4600 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्ट किया गया है। इनकम टैक्स विभाग ने कर्नाटक के मैसूर में एक मांग प्रबंधन केंद्र स्थापित किया है। ये 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के लंबित टैक्स डिमांड नोटिस का निपटारा कर रहा है। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं। यहां पर 7 अलग अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वहीं खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो Money9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।